ओम नमः शिवाय। अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि सोमवार श्रवण नक्षत्र आज भी दोपहर 3 बजे तक लगा रहेगा। तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर आशावादी धन और ऐश्वर्य से युक्त विनम्र और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातक अत्यधिक साहसी फुर्तीले दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। ये अत्यधिक भावावेश में आने वाले कला और संगीत के प्रेमी और नेतृत्व करने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शनि और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन मकर राशि में चलते रहेंगे जिसके राष्ट्र स्वामी शनिदेव हैं। आज भी पूरे दिन चंद्रमा मंगल और केतु की युति मकर राशि में ही बनी रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रहेगी। आय के नए स्रोत के मार्ग विकसित होंगे, कार्य क्षेत्र में गति आएगी और नई योजनाओं का उद्देश्य पूरा होगा। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा, बच्चों से संबंधित मामलों में शुभ समाचार मिलेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और सफलता मिलेगी, मगर कुछ कामों में रुकावट की संभावना भी बनती है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटों में सुधार होगा और आर्थिक लाभ के नए प्रस्तावों की योजना बनेगी। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और परिवार के प्रति सामंजस्य बिठाकर चलने की मानसिकता में विकास होगा। कार्य क्षेत्र में समझौतावादी दृष्टिकोण लाभदायक रहेगा और काफी हद तक आप अपने प्रयासों और बुद्धि कौशल से सारे कारकों को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर शाम का समय आजीविका को और बल देगा। बच्चों से संबंधित मामलों में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, सफलता संभावित है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का दौर जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र के प्रति महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मिल सकता है और आय संबंधी संसाधनों के सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति बनेगी। संबंधित मामलों में अनचाही यात्रा की भी संभावना बनती है और अपने अधिकारियों का दिशा निर्देश कायम रहेगा। साथ में बड़े बुजुर्गों की सहभागिता और भाइयों का सहयोग भी कायम रहेगा। शाम का समय धार्मिक भावना बढ़ाने वाला होगा और आर्थिक सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग और सफलता मिलती जाएगी। कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक चिंता का दौर जारी रहेगा। संतान संबंधी मामलों में खुशी महसूस होगी, कार्य क्षेत्र से संबंधित विकास होगा और रुकावट की संभावना खत्म होगी, मगर अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता का संकेत मिलता है। हालांकि अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और कार्य क्षेत्र के प्रति संतुष्टि का माहौल बना रहेगा, मगर शाम तक अचानक छोटी यात्रा का योग संभावित है। आर्थिक सहयोग बना रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के पारिवारिक सुख संतुष्टि में कमी महसूस होगी, कार्य क्षेत्र में रुकावट की संभावना बनती है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपके भाग्य और सुख के कारक होकर छठवें भाव में बैठे हुए हैं, अतः संबंधित कामों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि रुके हुए व अटके हुए काम संपादित हो सकते हैं। आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, मगर सफलता मिल सकती है और शाम के बाद का समय पारिवारिक सुख संतुष्टि को बढ़ाने वाला होगा। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। कन्या राशि के जातकों के प्रयासों में गति आएगी, व्यावसायिक उन्नति के विकास की मानसिकता बनी रहेगी और संबंधित मामलों में आपकी सार्थक पहल जारी रहेगी। महत्वपूर्ण फैसले लाभदायक सिद्ध होंगे। निजी निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त होगा, मगर कुछ मामलों में सक्रियता और दृढ़ इच्छा शक्ति प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी का संकेत मिलता है, मगर आर्थिक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, मन मुताबिक उद्देश्य की पूर्ति संभावित है। तुला राशि वाले जातकों को निजी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और मित्र व रिश्तेदारों से आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा।
हालांकि कार्य क्षेत्र के प्रति चिंता लगी रहेगी, मगर आप उसका समाधान कुछ आसान प्रयासों के साथ निकाल लेंगे। आज का समय आशंकाओं और दुश्चिंताओं से घिरा हुआ माना जा सकता है, मगर आपकी कार्यशैली में सुधार की जरूरत है। रचनात्मक प्रयास जारी रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। निजी संबंधों में निकटता आएगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुधार की मानसिकता बनेगी, विरोधी परास्त होंगे और कार्य क्षेत्र के प्रति सुधार एवं विकास की प्रवृत्ति बनी रहेगी। चंद्रमा के मंगल के नक्षत्र में होने से आत्मविश्वास, ऊर्जा स्तर और धन संबंधी मामलों में सहायता मिलेगी और कार्य क्षेत्र के प्रति आ रही बाधाओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, मगर शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें, सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों के साथ अनावश्यक वाद विवाद संभावित है। कार्य क्षेत्र के प्रति विकास करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा, मगर अपनी उत्तेजना और भावावेश को नियंत्रित करने की जरूरत है। लगभग हर काम के प्रति आपकी सक्रिय भागीदारी सफलता दिलाएगी। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और सफलता हासिल होगी। समय के अनुसार अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योगा और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें। मकर राशि के जातकों के निजी सुख और संसाधनों में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और साथ ही साथ नेतृत्व करने की क्षमता और कला में विकास होगा। कार्य क्षेत्र में निजी संबंधों का सहयोग और अधिकारियों की भूमिका सहायक सिद्ध होगी। आकस्मिक आर्थिक लाभ के अवसर संभावित हैं और व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। संबंधित मामलों में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन भी संभावित है। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खर्चीला साबित होगा। वाद विवाद संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। नई कार्य योजनाओं के विकसित करने में सहायता मिलेगी और आवश्यक संसाधनों में व्यय की स्थिति संभावित है, मगर आर्थिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा और लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और सफलता मिल सकती है। शाम का समय अनावश्यक खर्च, भागदौड़ और चिंता से राहत दिलाने वाला रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में रुकावट और अड़चन को हल करने की प्रवृत्ति विकसित होगी और विवादों को सुलझाने के मामलों में सहयोग मिलेगा। हालांकि अधिकतर मामलों में आपके प्रयास सार्थक होंगे, मगर मन में दुश्चिंताओं को विकसित करने से रोकना होगा। किसी महिला विशेष की प्रेरणा से मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक महसूस होगा और सफलता की संभावना बनती है। शाम का समय खर्च और आय संबंधी मामलों में यात्रा के लिए संकेत करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।